जो भी यहाँ पर मेरे सभी स्पोर्ट्समैन और पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, मैं माजरत चाहता हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट दैट आई डोंट नो एवरीवन कोई बात नहीं सभी के लिए एक बात एक पैगाम हमारा पैगाम बोल दो बस हमारा एक पैगाम ये है कि रेसलिंग जो कि आज हैदराबाद सिटी में बदनाम हो चुकी है गुंडागर्दी और पहलवानी के नाम से, उसको सही मानों में रेसलिंग क्या इवेंट होता है उसको कंडक्ट करने के लिए बारी साहब ने और उनकी अपनी टीम ने जो इनिशिएटिव लिया है, जो कदम उठाया है, इसको हम पूरे तौर पर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हिंदू मुसलमान की जात पात की भेदभाव से दूर हटके हम इस चीज़ को सक्सेसफुल करना है, ताकि हमारे अपने इस एरिया में माजी में जो दो तीन इवेंट हो चुके हैं आप लोगों की सरपरस्ती में और हम सबकी जो कोशिशों के बाद एक कामयाबी मिली है, वो नाम को हमको और आगे ले जाना है। और ख़ास तौर से वो सभी रेसलर्स स्पोर्ट्समैन जो स्कूल्स में कॉलेजेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी भी तरह से वो इस इवेंट का हिस्सा बने। और बिलखसूस हमारे अपने जो कोचिंग सेंटर्स हैं, अखाड़े हैं, उन सभी से भी एक अदबाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे तक ये मैसेज को पास करें। बिलखसूस बारकस 100% मुस्लिम्स की आबादी का एरिया है, नॉन मुस्लिम स्पोर्ट्समैन हमारे यहाँ पर आना ज़रूरी है, क्योंकि खेलकूद एक ऐसी चीज़ है जिसमें मजहब की और जात पात की कोई कैद नहीं है, और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हर खिलाड़ी एक मुस्लिम और एक नॉन मुस्लिम जब हमारी कंट्री के लिए पार्टिसिपेट करता तो एक दूसरे के साथ जब कहीं पर भी एक टीम के साथ जाते हैं तो अपने नाम से नहीं जाना जा रहा था बल्कि वो अपने मुल्क से अपने स्टेट के नाम से जाना है। लिहाजा प्लीज़ इस बात को समझें कि स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन मस्ट गो टुगेदर, खेलकूद और तालीम एक साथ चले, क्योंकि तालीम से ही हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। आज हमारे मुल्क को इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें। लिहाजा इस गेम को कंडक्ट करने में जो लोग आगे आए हैं, स्पेशली पुलिस, हम सबके लिए फिर एक बार बोल रहा हूँ, बुरा मत माने, पुलिस का किया जाने वाला कंडक्ट किया जाने वाला प्रोग्राम 100% सक्सेस होगा। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि जो भी अच्छे बेहतर एडवाइज़र्स हैं वो पुलिस को बराबर एडवाइस करें, क्योंकि पहली मरतबा पुलिस ने इस टूर्नामेंट को कंडक्ट किया है। इवन दो पुलिस के माजी में एक बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके हैं, अभी भी नेशनल प्लेयर्स में कमल हैं और मुश्ताक भाई हैं, दिगर खिलाड़ी हैं, लेकिन स्पोर्ट्समैन को पुलिस के साथ अटैच करते हुए एक फ्रेंडली पुलिसाइजिंग की जो मिसाल पेश करने की कोशिश की जा रही है, इसमें हम सबके कोऑपरेट की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुँचाएँ जो यहाँ पर मौजूद ना हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।